नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट में। आपको बता दें कि दरभंगा जिला में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दरभंगा के ऐतिहासिक धरती अहिल्या स्थान पर में बीजेपी के उम्मीदवार जीवेश कुमार मिश्र के पक्ष में वोट मांगने वहां पहुंचे, उनके लिए सभा किया गया है। देख सकते हैं यहां पर हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। और बता दें कि जाले विधानसभा 87 से जीवेश मिश्रा एनडीए के उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि माता सीता की धरती मिथिलांचल के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राम मंदिर और राष्ट्रवाद के साथ साथ पाकिस्तान और विकास के मुद्दे पर उठाकर लोगों से वोट मांगे हैं। और जीवेश कुमार मिश्रा को भी वोट देने के लिए लोगों से अपील किया है। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। आपको बता दें कि जीवेश मिश्रा इस मौजूदा विधायक भी हैं वहाँ के, और देख सकते हैं यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। अब नित्यानंद राय से ही जानते हैं कि उन्होंने क्या भाषण में कहा है। भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का अलग भी जगाएंगे, रोड सड़क बिजली भी देंगे, और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी को भी मार, पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादी को भी जोड़ दो, आतंकवादी को भी पुलवामा की घटना देखिए, हमारे देश के नौजवानों को मार शहीद हो गया, हमारे देश के नौजवान उसमें प्रश्न किया, कांग्रेस वालों ने आज वालों ने पता ही वोट से मतलब है, परिवार से मतलब है, कुर्सी से मतलब है, देश में लोकतंत्र देश से मतलब नहीं है। सवाल खड़ा किया था हमारे हमारे देश की सरकार, और जब पाकिस्तान के असेंबली ने यह स्वीकार कर लिया कि पुलवामा की घटना में पाकिस्तान का हाथ है, राहुल गांधी जी कब माफी मांगोगे, देश को बता दीजिए आप माफी मांगने के लिए कब तैयार, कब माफी मांगिए राजेश, आप एक बता दीजिए। आप लोग पूछते थे भारत मांगने के, लोग पूछते थे मंदिर वही बनाएंगे लेकिन डेट नहीं बताएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आप लोग अब बताइए मंदिर तो बन रहा है, भगवान से राम की पूजा कर रहे राहुल और तेजस्वी जी कहां जा रहे हैं उसका तो किसी बता दीजिए, और राम किसी तय भी करेगा राम मंदिर में जाकर प्रणाम करके साष्टांग नमन करके भगवान से राम की पूजा भी करेगा तो जीवेश मिश्रा करेगा, वह कोई दूसरा प्रत्याशी जाकर करने वाला दरभंगा को एम्स मिला है, यहाँ से सहरसा जोड़ने वाली सड़क निर्माण का पूरा काम ये हो गया है जो दरभंगा से सहरसा कहता है, दरभंगा से समस्तीपुर सड़क 16 करोड़ की लागत से 24 करोड़ हो रहा है, दरभंगा रोसड़ा सड़क के 452 करोड़ की लागत से बन रहा है, दरभंगा जयनगर रेलखंड का विद्युतीकरण हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत आपके मखाना को एक महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है, इसलिए गोला गैस योजना से हम अपने इस दरभंगा जिला को 3,97,940 भाई माता बहनों को गैस कनेक्शन मिला है, 1,22,654 प्रधानमंत्री जी ने यहाँ घर बनाया है, प्रधानमंत्री जी ने 2022 तक किसी भी गरीब का मकान कच्चा नहीं रहने देंगे, सबका मकान पक्का।